हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12वीं हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछे जाएंगे 25 प्रश्न में से, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। पहला प्रश्न है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो कितने भेद हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 1 है 2 है 3 है 4 है। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 है, ठीक है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जो भेद हैं फ्रेंड्स वो कितने हैं? तो 2 भेद हैं, ओके। अगला प्रश्न है, और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के आपको लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा और उस प्रश्न को एकदम रट लीजिएगा क्योंकि वो प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चेत शब्द है, तो क्या है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स विदेशज। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लर्क की मौत के रचनाकार हैं, तो 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अंतोन चेखव, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म शब्द है, और यहाँ पे ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो पुलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न क्या है 5 नंबर, विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, ओके। तो 5 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदरवेल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोगों की, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो 7 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। रक्षाबंधन क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था? तो 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, जैनपुर में, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है 10 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, घर में छिपा शत्रु, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्या है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चक्रवात शब्द है,
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या है चक्रवात शब्द, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्सम। ओके अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी का परिभाषित शब्द है, तो 15 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये भूमि। ठीक है, पृथ्वी का जो परिभाषित शब्द है वो क्या है, तो भूमि है। ओके अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कड़बक किसकी रचना है, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कामचोर कौन सा समास है, कामचोर जो है वो कौन सा समास है, ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स रेणुका, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये उर्वशी। ठीक है अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आजकल कौन सा समास है, तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये कहीं नहीं वहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी उत्जोड़ घाटन। ओके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रंगून कहाँ है, तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्मा में। ठीक है अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्मा का विशेषण है, तो 23 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी आत्मिक। ओके आत्मा का जो विशेषण है वो क्या है, तो आत्मिक है। ठीक है अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मालती के पति का नाम है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से दिए गए हैं, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेश्वर। ठीक है अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दो भेद हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। ओके तो आज मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में देखें 25 प्रश्न, और इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो 24 नंबर था। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है कोई आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो। ठीक है आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।